हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टेथोस्कोप की चर्चा हमने पहली बार वीडियो में की थी, और इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ स्फिग्नोमैनोमीटर यानी कि बीपी की मशीन। बीपी की मशीन किस तरह से आप यूज करेंगे और इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कम है और आशा करता हूँ कि कम टाइम के साथ में शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आपका मरकरी ट्यूब है, ये दिस इज मरकरी ट्यूब। ओके, यहाँ पर ये आपका बेल्ट है, डायमंड का है मेरे पास ये, और यहाँ पर ये आपका ट्यूब है, ये आपका एयर बल्ब है। ओके, जब एयर बल्ब में एक्चुअल यहाँ से एयर निकलती है, यहाँ से ये बिकॉज अगर यहाँ से एयर हम जैसे इसको पुश करते हैं तो एयर यहाँ से हल्की सी निकलती है, और अगर आप इसको स्टॉपर है, ये स्टॉपर को रोल करते हैं, देखिए ये मैं इसको लूज कर रहा हूँ यानी कि ये मैंने खोल दिया है। अब अगर मैं इसको दबाऊंगा तो इसमें एयर देखिए नहीं भर रही है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे इस तरीके से इसको अगर मैं कन्फर्म कर देता हूँ तो ये आपका थोड़ा सा टाइट किया, और अब मैं इसको अगर भरता हूँ तो ये देखिए एयर जा रही है और ये जो है आपका फूलता जा रहा है। देखिए ये आपका पर जो है बेल्ट जो है फूलता जा रहा है, इसमें एयर भरती जा रही है, और इधर आपका पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये देखिए ये आपका पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ये आपकी जो मार्किंग है 80 है, 80 मार्किंग है, और इधर 170, 190, 210, 210, 220, 230, 240, 50 एंड 60, 70, 280 एंड 90। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन जब ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं पेशेंट का, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ऐसे स्टॉप कर दे, ये ऊपर अगर कर देते हैं इस पॉइंट को, तो ये लॉक होता है, एक्चुअल ऑपरेटिंग लॉक हम इसे बोलते हैं। और इसमें एक्चुअल होता है कि जब हम इसको ऐसे कर देते हैं तो एयर पम्प एयर बल्ब को हम दबाएंगे तो इसकी एयर देखिए ऊपर नहीं जा रही है, मैं देखिए दोनों प्रोसेसिंग कर रहा हूँ ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज और जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कैसे हम मेंटेन करेंगे। तो देखिए, अब जब ये 180 पर यहाँ पर मार्किंग शो कर रहा है, अब मैं इसको धीरे धीरे से स्लो करूँगा इस तरीके से, देखिए जस्ट, तो ये यहाँ से हल्के से एयर निकल रहा है और ये यहाँ से नीचे आएगा। ओके, ये देखिए, तो ये यहाँ से नीचे आने लगेगा, धीरे धीरे ये नीचे उतरेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी को हमें जैसे हमने यहाँ पर हमने स्टेथोस्कोप अपने ईयरबड्स अपने कानों में लगा रखा है, और अगर यहाँ पर आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है 160 पर, मान लेते हैं 150 पर मान लेते हैं आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पर कभी कभी मफलिंग भी होती है, वो है एक अलग चीज़ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मफलिंग के बारे में, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि मफलिंग को ही सिस्टोलिक प्रेशर कह देते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग।